गुड मॉर्निंग क्लास, आज हम इंग्लिश का काम करेंगे। इंग्लिश में आज मैं आपको करवाऊंगी राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स का मतलब है समान लय वाले शब्द। हिंदी में इसे हम समान लय वाले शब्द भी कहते हैं, और इससे ये कविता जैसे बनते हैं, जैसे एक ही जैसा साउंड जिनमें हमें सुनाई देता है। जैसे मैंने आपको पोएम भी करवाई थी ना, 1 2 बकल माई शू, जैसे 2 आया और पीछे फिर शू आ गया, तो एक जैसे साउंड जो करते हैं वर्ड्स, उनको हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। जैसे ये आपको दिख रहा है, क्या लिखा है, TIN टिन, क्या लिखा है, TIN टिन। अब मैंने आपको फोनिक ड्रिल भी करवाई है और आपको साउंड करवाए हैं, उसमें भी आपके सिमिलर वर्ड्स हैं, मिलते जुलते शब्द हैं उसमें, तो एक ही जैसे साउंड के शब्द कई सारे आते हैं, तो उनमें हमें अब जैसे TIN टिन, और मैंने करवाया है TIN टिन, PIN पिन, FIN फिन, BIN बिन। अब आपको इसमें पीछे जो हम इन सुनाई दे रहा है आपको, यानी इट मीन्स ये सेम साउंड वाले वर्ड्स हैं, तो TIN टिन उसके साथ हम या तो PIN पिन लिखेंगे तो भी ये सेम साउंड हमें सुनाई दे रहा है, TIN टिन, PIN पिन, यानी दोनों जगह हमें लास्ट में इन सुनाई दे रहा है, तो ये सेम साउंड वाले वर्ड्स हैं, यानी समान है राइमिंग वर्ड्स। अब फिर आपको ये लिखा हुआ है, क्या दिख रहा है, Z I P Z, अब इसके साथ और मैंने आई पी वाले अलग करवाए थे आपको, और आई जी वाले भी करवाए हैं, आई एन वाले भी करवाए हैं, मैंने आपको 4 4 5 5 वर्ड्स ईच के करवाए हैं सबके, तो ZIP जिप, उसका LIP लिप, HIP हिप, SIP सिप, काफ़ी सारे सुनाई देते हैं ना एक जैसे, तो अब हम यहाँ लिखते हैं SIP सिप, ये भी सेम देखो साउंड कर रहा है, ZIP जिप, SIP सिप, बोल के देखो एक बारी, ZIP जिप, SIP सिप, ठीक है। आगे हमारा देखो क्या लिखा हुआ है, BIG बिग, BIG बिग, अब आप बताओ, सोचो, मैंने आपको करवाए थे ना ये भी, तो BIG इसके भी काफ़ी सारे हमें सुनाई देते हैं, जैसे BIG बिग, FIG फिग, PIG पिग, तो हम यहाँ पर, लेकिन साउंड वही सेम होना चाहिए, तो कुछ भी हम लिख सकते हैं इसमें जो सेम साउंड करता हो, यानी BIG बिग, FIG फिग लिख देंगे हम इसके साथ, ठीक है। अब आगे देखिए नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या दिखाई दे रहा है, पढ़ो, HIT हिट, मेरे साथ पढ़िए, HIT हिट। अब HIT हिट के साथ भी हमें सेम साउंड वाला हमें वर्ड जो सुनाई दे रहा है, SIT सिट भी लिख सकते हैं, FIT फिट भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, SIT सिट, HIT हिट, SIT सिट, एक जैसा साउंड सुनाई दे रहा है पीछे हमें, HIT हिट, SIT सिट। अब आगे दे चलते हैं नेक्स्ट, अब ये क्या है, BIL LL बिल, BIL LL बिल, अब इसके साथ हमें फिर से वही एक ही जैसे साउंड वाला वर्ड लिखना है, तो हमें FIL LL फिल भी लिख सकते हैं, ठीक है, FIL LL फिल, FIL LL फिल, और WI। अब जो भी आपको साउंड इसके साथ का मैंने ये भी करवाए हैं आपको, सबके मैंने 4 या 5 आपको सबके करवाए हैं, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट हम चलते हैं, ये आपको देखो, ये मेरे साथ ही पढ़ो, ये क्या लिखा है, VIM विम, VIM विम, अब इसके साथ हमें सेम साउंड कौन सा सुनाई दे रहा है, याद करो,
मुझे क्या याद आ रहा है बताऊं? मुझे याद आ रहा है आर आई एम रिम, लेकिन हमें आर आई एम रिम, जे आई एम जिम भी समझ आ रहा है, ठीक है, वो भी सेम साउंड कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे क्या पढ़ो मेरे साथ, एन आई बी निब, एन आई बी निब। अब निब का कौन सा साउंड कर रहा है, आर आई बी रिब, आर आई बी रिब, एन आई बी निब, आर आई बी रिब। देखो ये लिखने में भी सेम है और हम साउंड करते हैं वो भी सेम है, ठीक है। अब ये बताओ आपको समझ आया ये जो मैंने आज करवाया, इजी है और सारे बच्चे अच्छे हैं, पढ़ते हैं, और आपको यही एक असाइनमेंट भेजा जाएगा होमवर्क के लिए भी सेम, ठीक है। तो आप ये ऐसे, ठीक है, अब मैंने ये जो काम आपको करवाया, देखो नीट एंड क्लीन, देखो कितना साफ साफ लिखा है ना मैंने, आपको भी ऐसे ही साफ साफ काम करना है बिल्कुल। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, ये राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, हमारे समान लय वाले, हम हिंदी में बोलते हैं समान लय वाले शब्द, जो एक जैसा साउंड करते हैं, एक जैसी हमें आवाज़ आती है जिनमें, जैसे टी आई एन टिन लिखा है मैंने, तो उसके साथ मैंने लिखा है पी आई एन पिन, टिन एंड पिन, एक ही जैसा साउंड कर रहा है, टिन पिन, बोल के देखो टिन पिन। फिर मैंने क्या लिखा है, जेड आई पी जिप, जेड आई पी जिप, एस आई पी सिप, एक जैसा साउंड कर रहा है, जिप